काफी चर्चा हुई और बहुत सारे लोगों को बोलना भी चाहिए। ये बड़ा गंभीर विषय है, सबके अपने अपने विचार आए और सबको मालूम है ये जो निगम है इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये तो टेलीफोन पे या उसमें सब बच्चे हुए कोई बात नहीं, सबको नौकरी दी है, लेकिन नौकरी किस लेवल की दी है, कितनी तनख्वाह मिलती है, उसका क्या कारण है? आज मैं जो रिपोर्ट आपको बताता हूँ कि हरियाणा में क्या हो गया, ILO की इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वन डेवलपमेंट जो है उसकी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 54.7% से अधिक शिक्षित युवा रोजगार तलाश में अन्य राज्यों में चले गए, क्योंकि यहाँ तो जो शिक्षित है उनको रोजगार कौन सा मिल रहा है, निगम में क्या कितनी दशा मिल रही है, कोई पढ़ा लिखा करते भी? तो मेरा आपसे निवेदन है जी, मैं कोई ज्यादा चर्चा सबने कर दी, कहने का फायदा भी नहीं है, आपके माध्यम से निवेदन है कि लगाए हैं आपने, अब इनको इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, युवाओं के साथ इनका कोई ना कोई रास्ता निकालो, इनको रेगुलराइज तौर पर लगाए इनके साथ। ये पूरी सरकार ने आज एक कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि हम इनको गारंटी देते हैं, कल कोई दूसरी कैबिनेट आई उसका क्या गारंटी, कॉन्ट्रेक्चुअल तो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो उल्टा कर देगी, तो ऐसा काम ना करो ताकि इनके ऊपर इनके भविष्य पे तलवार लटकी रहे, रेगुलराइज के लिए कोई कोई रास्ता निकालो, सेलेक्ट कमेटी बनाओ, उसमें डिस्कस करो, जब इसकी बात करो और इसका कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए ताकि इनकी भी रेगुलराइज हो और आगे इनकी नौकरियां हो रेगुलराइज हो ताकि मुख्यमंत्री आदरणीय देखिए आज जो अधिकरण का सुरक्षित करने के लिए आज हम बिल लेकर के आए हैं, इसकी लंबी कहानी है, अगर हम देखेंगे लंबी कहानी मैं करूंगा छोटी, मान्य ऑर्डर जी छोटी करूंगा, लंबी नहीं करूंगा, बिंदु बिंदु बताऊंगा आपको। मेजोरिटी जो है एज इसमें अपोजिशन है, इसमें ये प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, खत्म करो आपका पास कराओ करो। माननीय देखिए इसकी कहानी एक ऐसी कहानी है कि व्यक्ति का मन पसीजता है, मन इसलिए पसीजता था क्यों मेहनत करता था, जब महीने के एंड में उसको अपने मानदेय की बात आती थी तो उसको कभी 3,000 रुपए उसके हाथ से रख दिए जाते थे, कभी 5,000 रुपए रख दिए जाते थे, अगर वो माननीय अध्यक्ष की आवाज उठाता था तो उसको बाहर कर दिया जाता था, तो इस भय के कारण वो बोलता भी नहीं था। उसकी ये किसने किया है? नहीं नहीं हुड्डा साहब किसने किया, मैं बता रहा हूँ ये किया करने वाले कौन है, करने वाला कोई माननीय व्यक्ति और नहीं है, ये कांग्रेस की गलत नीतियों को ठीक करने का काम हमने किया है, ये आपकी गलत नीतियां है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इन्होंने यहाँ भी कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर को डिमांड कर दिया, किसको डिमांड किया? नहीं नहीं मैंने देखिए आपने सुना, आप सुनते नहीं है ना जी, सुनते तो है पर उसको फिर जब बात आती है फिर उसको सुना कर देते हैं। हाँ मानिए देखिए मैं एक उदाहरण से बताता हूँ, ये HKRN जो आया है ये आया है 2022 HKR इससे पहले तो HKRN नहीं थे, और मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का जिन्होंने इसके अंदर एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी लेकर के यहाँ तक कहा गया माननीय अध्यक्ष जी कि हम आएंगे इस HKRN को खत्म करें। अब क्या किया कोनी युवाओं ने जिनके साथ आपने अन्याय किया, जिनके साथ माननीय अध्यक्ष जी वो 2,000 रुपए लेकर के घर जाते थे, जो
काम करते थे और फिर मैं शायद सुरक्षित रहूं और मैं कहीं ना कहीं पक्का हो जाऊं। उस डर के मारे जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रेक्टर था, इनकी प्रथा थी वो, अरे जो ये बोल रहे हैं ना कि आपका सिस्टम क्या था, सिस्टम तो 2014 से पहले, हम तो 2014 में आई मान्य थे, इससे पहले एक महीने उससे पहले लगे, उससे पहले कैसे लगे हैं, किस प्रकार से ठेकेदारों का मिनिमम वेज भी नहीं मिलता था, इस प्रकार की स्थिति। और मैं बताना चाहता हूँ मान्य व्यक्ति, एक ये दर्शना देवी है, दर्शना देवी 2023 में ये कोर्ट में गई, कोर्ट में गई कि मुझे सुरक्षित किया जाए। कोर्ट ने जब पूरा का पूरा देखा सिस्टम, वो कलेक्ट हुआ पड़ा था, माननीय कोर्ट ने आदेश करे इसका एक सिस्टम बनाया जाए। माननीय एजेंसी ये उसमें से एचपीआरएन आया, हमने एचपीआरएन बना करके ये कह रहे कि आपने कैसे लगाए, कहां से लग गए, हमने उनको पोस्ट किया एचपीआरएन के अंदर, कुछ बच्चे लगे नहीं। हमने इसको पोस्ट करने के बाद जो बच्चे लगे हैं, जो ये फैसला कोर्ट ने दिया, और उसके बाद जो बच्चे लगे उनको पोस्ट किया, और हमने उसके लिए पैरामीटर बनाए जो आज हम ये बिल लेकर के आए हैं। मैं कहना भी चाहूंगा कि हमने डिप्लॉयमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 जो हम लेकर के आए, माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर अगर रिजर्वेशन पॉलिसी, ये भी कहा गया कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, मैंने उस दिन भी पीछे डिटेल में पूरी बात की, कहा रिजर्वेशन नहीं है। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि हमारी दीदी है माननीय विधायिका, उन्होंने ये जो क्लॉज नंबर 9 है ये पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या लिखा है, क्या आप पढ़ करके बता दीजिए, पूरा हाउस बैठा नहीं बता दीजिए, आप पढ़ करके पूरा, समझ कैसे आएगा, समझ नहीं आप लोगों को आएगा, समझ तो हरियाणा के युवा ने दे दिया माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के युवा आज भी वो देख रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम वो देख रहे हैं। और अनिल जी भी बोल रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, कहा पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया, अरे भाई अपने पैरों की तरह भी देखना चाहिए कि हमारी जमीन कैसी है, मैं ये नहीं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, अपने पैरों की तरफ देखना चाहिए कि हम किस तरीके से युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व में मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो ये कंट्रोवर्सियल पॉलिसी लेकर के आए, और उसके अंदर हमने अलग अलग पैरामीटर तय किए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर दिया गया, बिल्कुल प्वाइंट दिए गए हैं, आप इनका पता कर लीजिए। आदरणीय मोदी जी एक बात बोलते, सीता जी माननीय अध्यक्ष जी उनको जवाब दे देने दो, माननीय अध्यक्ष जी जवाब दे देने दो, माननीय अध्यक्ष जी काफी लंबी चर्चा हो चुकी है, माननीय अध्यक्ष जी जवाब तो आप तो नहीं जवाब तो देने देंगे ना, मैं जवाब तो देने देंगे ना, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, आप एक मिनट बैठ देंगे, मैं बाद में ले लूंगा आपका क्वेश्चन। सीता जी आप बैठिए प्लीज, आप देखिए रिजर्वेशन का इतने भर्ती हो गए, इतना वो रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन में बाकायदा रोस्टर बनते हैं, एस सी ए डी है, एस सी बी सी ए है, बी सी डी है, रोस्टर बनते हैं, रिजर्वेशन बने हुए हैं क्या, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने उसके पैरामीटर क्या तय किए जो आज ये पॉलिसी आ रही है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर हमने रखा है जो वेटेज दिया है ऑन द बेस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट, उसको 40 पॉइंट हमने दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला था, मुझे आज बोलते हुए बड़ा गर्व हो रहा है उस शब्द को, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि जहां घना अंधेरा है दीपक जलाना कहां मना है, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर जिसके अंदर उसकी कोई पहुंच नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी कोई सिफारिश नहीं है, यही सब पॉलिसी के तहत वो कवर हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी, कि उसको हमने इनकम के 40 पॉइंट दिए हैं ताकि वो गरीब परिवार का बच्चा इस एचपीआरएन के माध्यम से उसके घर में भी प्रकाश आ सके, इस
किसके लिए ये पॉलिसी हमने बनाई है, हमने उसको ध्यान में रखा है, आपने क्या ध्यान में रखा है कि अगर कोई व्यक्ति लगा है, कोई व्यक्ति लगा है, उस व्यक्ति को 2,000 रुपए, माननीय व्यक्ति 3,000 रुपए वो कॉन्ट्रेक्चुअल के ऊपर लगा, वो ठेकेदार काट करके देते थे। देखो आपके सामने और मैं ये सिंचाई है बोलते नहीं थे। मान्य देखी जो हमारे युवा लगे हैं, वो युवा इस बात को बता रहे हैं, हमारे पास आते थे। और आज जो युवाओं का रुझान बना है, इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आई है, इसके अंदर भी सिफारिश नहीं चली। हमारे जो माननीय सदस्य गण कह रहे हैं, आज इस क्राइटेरिया के तहत एक गरीब परिवार को जिसके घर में नौकरी नहीं है, उसको इसके माध्यम से नौकरी देने का काम हमारी सरकार किया है, सिस्टम से किया है। और मैं माननीय अध्यक्ष बताना चाहता हूँ, हमने जो वेटेज दी है, एज ऑफ द कैंडिडेट, इसकी भी हमने वेटेज इसको दी है कि उसके 15 पॉइंट रखे, उसकी एज कितनी, एज के हिसाब से भी हमने दिया। हमने स्किल क्वालिफिकेशन, उसके लिए भी हमने इसके अंदर वेटेज दिया है। बियॉन्ड द असिस्टेंट क्वालिफिकेशन, उसके 20 पॉइंट रखे कि वो स्किल है, अगर हाथ का दस्तकार है तो वो काम कर सकता है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा हमने पॉइंट रखे हैं। उससे बाहर कोई भी एक भी निश्चित नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जो इसके अंदर हमने पॉलिसी बनाई, उसके बाद उस पॉलिसी के तहत ही युवाओं को हमने लगाने का काम किया है। और मुझे खुशी है, जब से ये पॉलिसी आई है, मेरे हरियाणा के जो एक्सपीआरएन के अंदर, जो पार्ट वन के अंदर युवा लगा हुआ था, पार्ट टू के अंदर युवा लगा हुआ था, जिनका कॉन्ट्रेक्टर जो शोषण करता था, शोषण भी इस हद तक करता था, माननीय अध्यक्ष जी, 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो कॉन्ट्रेक्टर बदल जाता था। जब वो बदलता था, फिर उनके ऊपर तलवार लटकती थी, और तलवार ऐसी लटकती थी कि इतने पैसे दे दो, अगर आपने दोबारा इस नौकरी के ऊपर रहना है। ये बात इस प्रकार की उनके सामने आती थी, फिर वो घर से ला करके पैसा देता था, पैसा दे करके मैं कभी न कभी उस सोच के आधार के ऊपर चलता था कि मैं पक्का हो जाऊंगा, मैं भी शायद सरकार की नौकरी में आ जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम जब ये लेकर के आए, और उसके बाद ये पहली बार हरियाणा के युवाओं को, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, जो पार्ट वन में थे, जो पार्ट टू में थे, और जो हमने एचकेएनएम के अंदर लगाए, उनको मिनिमम वेज देने का काम डायरेक्ट उसके खाते के अंदर अगर किसी ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है, आज उसका परिणाम है कि आज युवा ये बात बोलता है कि भाई एचकेएनएम में भी लगवा दू, वही लगवा दू, उसका विश्वास जमा, सरकार के ऊपर विश्वास जमाए। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के काम के ऊपर विश्वास जमाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही तो विश्वास खो चुके थे, किस प्रकार से पर्चियों से लगते थे, रिश्ते बनती थी माननीय अध्यक्ष जी नौकरी के लिए, कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा, मैं दिखा दूंगा जी आपको, मैं आपको दिखा दूंगा, ये शायद आपके समय का लगा हुआ, आपके समय का लगा हुआ उसे हम दिखा देंगे। परंतु जब से हमने ये पॉलिसी लेकर के आया, मैं फिर कह रहा हूँ कि मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं, हमें इस सदन ने सब संस्थान का धन्यवाद करना चाहिए, एक्सपीआरएन और जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लग रही है, सब संस्थान से इस सदन ने पास करना चाहिए फिर, और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इतना सिस्टम बनाया, आज हरियाणा के माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं का विश्वास आज इस सरकार के ऊपर बंधा है। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने जो आज ये बिल लेकर के आए हैं, ये केवल एचकेआरएन में लागू नहीं है, ये धारा 3(1) के कै और ख के बीच या है। अभी इसके अंदर ये भी कहा गया है कि 50,000 तक की कैप लगा दी। माननीय अध्यक्ष जी, आज 50,000 से ऊपर का भी इंट्रोड्यूस के लिए आज बिल आ रहा है, हम उनको बारे में भी विचार कर रहे हैं कि उनको भी सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित करके, ताकि 60 वर्ष तक व्यक्ति को कोई दिक्कत कोई समस्या ना आए, और उसके लिए हमने पूरी की पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनको सुरक्षित किया है, ताकि वो भी हरियाणा के विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर कोई जैसे कहा गया कि उनको हटा रहे हैं, किसी को नहीं हटा रहे हैं, और हटाने के लिए जो पद है, और उस पद के ऊपर अगर कोई दूसरा वहां पर बैठा है, तो उसकी व्यवस्था वो
मिलकर के धारा जो 5 है, धारा 5 का कह है, उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि उस पद के ऊपर अगर कोई नहीं है तो उसको वहां रिजेक्ट किया जाएगा, अगर है तो चीफ सेक्रेटरी से एफडी में सलाह से उसको रिजेक्ट किया जाएगा, उसको निकाला नहीं जाएगा। इसके लिए मैं शरीर को सुरक्षित करता हूँ कि जब हमने सुरक्षित किया है तो हम पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, छोटा कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो जरूर इसमें शामिल होना चाहिए, उसके साथ अन्याय हो जाएगा। प्रमुख जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर मान्य व्यक्ति बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा क्योंकि उसका ये अलग से विषय है, परंतु चौकीदारों को उनकी स्थिति क्या थी, घर से रोटी लेके जाता था चौकीदार, घर से अपना खाना बनवाया था डब्बे में ले जाता, अरविंद निवाद उसको कितना देते थे, 500 रुपए देते थे ये लोग, और उनको अगर उनका मानदेय बढ़ाने का काम किसी ने किया, ये पहली बार मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय अध्यक्ष जी किया, 500 रुपया देते थे, उनको सुरक्षित कर रहे हैं साहब, मान सुरक्षित कर रहे हैं, धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं। आज हरियाणा का चौकीदार भारतीय जनता पार्टी के गुण गाता है कि भाई इन्होंने सुरक्षा की है, इन लोगों ने की सुरक्षा, नहीं तो इन्होंने तो पानी में बिठाई किए थे, वो रोटी भी लेकर आते थे घर से और फिर उनको कुछ मिलता भी नहीं था, हमने तो आकर के उनको बैठनी भी दी, भी भाई साहब अपने अंदर है, कोई चोर आ जाए कम से कम देख तो ले भी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी बहन जी ने, गीता बुक्कल जी ने जो कहा है कि 14/11/2024 को मुझे बोलने नहीं दिया गया एक्सपेरियंस, और अभी इन्होंने कहा है कि आरक्षण का क्या प्रावधान है, मैं उसके अंदर जवाब दे रहा था माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर, मैं रिप्लाई दे रहा था, मैं डिटेल के अंदर बात कर रहा था, तो तब हमारी बहन कह रही थी कि यस नो में बताओ, इन्होंने ये बात कही, मैं पूरी डिटेल में देना चाह रहा था, परंतु इन्होंने कहा कि आगे भी आएगा इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ गीता भुक्कल जी को कि जो आरक्षण हमने दिया है इसने एक्सपीआरएन के अंदर अनुसूचित जाति से 37,404 बच्चे लगे हैं, 28% आरक्षण। नहीं, फिर आप दोबारा क्यों पूछा, जब आपको मालूम था, आपने दोबारा क्यों पूछा, नहीं मुझे बताना पड़ेगा जी, नहीं मैं रोस्टर से, नहीं, देखिए नंबर की क्या बात है, माननीय अध्यक्ष जी मैंने कहा है, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरा एक ही सवाल है, क्या आरक्षण का रोस्टर बना हुआ है, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी मैंने कहा है रोस्टर की बात कर रहे हैं, मैंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट हमने दिए हुए हैं, इसके अंदर उसकी नियुक्ति कैसे होगी, रिजर्वेशन इसके अंदर है, रिजर्वेशन है इसके अंदर, और मैंने रिजर्वेशन पॉलिसी, ये क्लॉज नंबर 9, माननीय अध्यक्ष जी क्लॉज नंबर 9 गीता जी ने उसको पढ़ा है, परंतु समझा रिजर्वेशन आप इसमें कैसे फॉलो करेंगे सर, क्लॉज नंबर जो 9 है वो मुझे हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे देंगे, नो रोस्टर नो रिजर्वेशन सर, वो मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश की सर, मुझे समझ नहीं आया, वो आप कृपया करके समझा दें कि उसको कैसे दिया जाएगा सर, हम उम्मीद करते हैं शेड्यूल कास्ट एक बैकवर्ड क्लास जो संवैधानिक तौर पर आरक्षण दिया है सर, इनजस्टिस ना करें, उनका मखौल ना उड़ाए सर,
मुझे वो समझ नहीं आया, आप कृपया व्यक्ति का विभाग है जितने आगे जिससे आगे आप। मैंने मैंने पहले ही कहा है जो पीछे ये लगे हैं वो हमने वोट किया है इसके अंदर, आगे के लिए हमने इसके अंदर ये कहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी भी है इसके अंदर, रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एप्लीकेबल फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हमें कितने लोग चाहिए मान लिया, एक मिनट मेरी बात सुनो, ये पूरे स्टेट के ऊपर नॉन डिस्ट्रिक्ट ये पूरे स्टेट के ऊपर लागू है, मान लिया जाए मान्य व्यक्ति किसी को एक व्यक्ति चाहिए उसके अंदर कैसे उसको देते। नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, ना 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 सर, ऐसा नहीं। समझा दे सारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे देंगे सर, आप रिजर्वेशन कैसे फॉलो अप करेंगे। मान्य व्यक्ति फिर वही बात आ गई है, मैं बता रहा हूँ कि इसके आप माननीय व्यक्ति हमने युवाओं को सुरक्षित किया, हमने युवाओं को सुरक्षित किया 1,20,000 युवाओं को, और ये जो पॉलिसी है माननीय व्यक्ति ये पॉलिसी 14 अगस्त 2024 से हमने इसको इफेक्टिव किया, ये लागू 14 अगस्त 2024 ये इससे ये लेकर के इसको आए। और जो ये बात कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रही, समझ में आदमी देखिए पूरा है, इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, इसके अंदर कोई हमने छुपाया नहीं किसी बात को। इसके अंदर कितनी पोस्टें होंगी, कितने पोस्टें होंगी बिल्कुल समझा देंगे। मैंने मैंने कहा आपने नहीं क्यों आपको आपको जवाब नहीं दे रहे, वो पूरे हाउस को जवाब दे रहे। नहीं लगातार ऐसे नहीं, हर बात में नहीं खड़े हो सकते आप। मान्य व्यक्ति अपनी कमी को छुपाने के लिए इस प्रकार से किया जा रहा है, मैं बोल रहा नहीं हूँ, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, एस सी के अंदर 37,404 बच्चे लगे हुए हैं, 28% का इसके अंदर आरक्षण है, 28% मान्य व्यक्ति। और पिछड़ा वर्ग के अंदर 41,376 बच्चे लगे हैं, 32% का आरक्षण है मान्य व्यक्ति। और सामान्य वर्ग के अंदर सामान्य वर्ग में 53,993 बच्चे लगे हैं, 40% का उनको दिया गया। और ऐसा नहीं है मान्य देखिए उसका बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है, और उसके अंदर जो एच आर एम के अंदर बच्चे आ रहे हैं उसकी अब हमने उसका एक ट्रांसपेरेंसी ये बिल हम लेकर के आए हैं ताकि युवा सुरक्षित रहे, उसको दिक्कत ना आए। इनके समय के अंदर तो मान्य देखिए फिर ये बात वही कहेंगे कि जो पुलिस के अंदर थे माननीय कोर्ट ने निकाल दिया, माननीय कोर्ट ने निकाल दिया, वो सड़कों के ऊपर घूम रहे थे। मान्य व्यक्ति हमने उनको भी कंबल दिया है, हमने कहा कि आपको अन्याय नहीं होने देंगे, एसपीओ लगाया हमने उनको, मान्य व्यक्ति एक को भी छोड़ा। अब ये कहेंगे कि एसपीओ कैसे लगाया आपने, कहां से ला करके दे दिए, आपकी तो गलती थी, आपकी गलती के कारण हमने उनको रिजेक्ट किया। मान्य व्यक्ति हम कहां से लाते, ये गलतियां किसी और की नहीं है, गलतियां इन्हीं की है, हमने उसको दुरुस्त किया है, हमने उनको सुरक्षित किया है। 1,20,000 युवाओं को हमने उनको युवाओं को हमने जो सर्विस है उनकी जो सर्विस है उसको सुरक्षित करने का काम हमने किया है। और क्योंकि पुलिस के अंदर मैंने उस दिन भी मैं बोल रहा था, आज भी मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो हमारे 2,00,000 पक्की नौकरियों की हमने बात कही, 2,00,000 पक्की नौकरियां उनको हम देने का काम करेंगे, और वो बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर देने का काम करेंगे, कोई हम किसी प्रकार का बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर देने का काम करेंगे, कोई हम किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने दे। और जो इन्होंने कहा है अगर आपको लग रहा है हम जांच करा देते हैं, आप तो ये चाहते हैं इनको निकाल दो, इनको रखना नहीं है। नहीं जी, आपने कहा है जी, आपने प्रेस के अंदर कहा है जी, आपने कहा कि मैं एसडीआरएम को खत्म करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि एसडीआरएम के सभी कहा है
अगर आपको लग रहा है हम जांच करा देते हैं, आप तो ये चाहते हैं जिनको निकाल दो इनको रखना नहीं है। नहीं जी, आपने कहा है जी, आपने प्रेस के अंदर कहा है जी, आपने कहा कि मैं एसके आरान को खत्म करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि एसके आरान के सभी बच्चों को बाहर निकालेंगे? बाहर निकालने की बात कही है जी? नहीं देखिए देखिए ना, गलत बयानबाजी नहीं है जी। अरे एक हमारे विपक्ष का नेता है आमदार जी, विपक्ष का नेता अगर कोई बात बोल रहा है कि आप हमें बोल दो, ये एसके आरान कुछ नहीं है, हम आएंगे हम इसको बंद करेंगे। बंद करने का मतलब क्या है? उनको बाहर निकालना है माननीय व्यक्ति। हमने कहा है कि हम किसी बच्चे को बाहर नहीं निकलने देंगे, हम उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और हमने ये बोलना पड़ा माननीय व्यक्ति, युवाओं के बीच में बोलना पड़ा कि एक एक व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारी सरकार का दायित्व है और हम उनकी सुरक्षा करेंगे। हम सुरक्षा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम किसी को निकलने नहीं देंगे। है जी, माननीय व्यक्ति, मैंने शुरू में कहा है कि ये बच्चे लंबे समय से लग रहे थे और इनका बड़ा शोषण हो रहा था। ये दर्शना देवी, एक मिनट, दर्शना देवी, मैं वही तो कह रहा हूँ जी, दर्शना देवी कोर्ट में गई, कोर्ट ने आदेश करे कि इनको सुरक्षित किया जाए, तब ये एसकेआरएन बना है। और हाँ वो और करेंगे ना जी, करेंगे जी। वो इनके समय के अंदर अगर मैं बात करूँ माननीय देवी, आज भी टीवल के ऊपर ऑपरेटर लगे थे, 9000 रुपए मिल रहा, आज भी, आज भी 9000 रुपए मिल रहा, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आप अपनी तरफ से देख लेती कि हमने क्या किया था। हमारे यहाँ तो मिनिमम वेज माननीय अध्यक्ष जी 14000 मिनिमम वेज और 25000 तक, 25 से भी आगे 34-40-50 हजार की हमने कैप लगाई है माननीय अध्यक्ष जी। 50000 के नीचे जिनकी 50000 से ऊपर इनकम है, सैलरी है, उनका भी बिल हम लेकर के आ रहे हैं, उनको भी हम सुरक्षित करेंगे। हमारी जिम्मेवारी है माननीय अध्यक्ष जी, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना और उसको सुरक्षित करना, और उसको भी एक पक्के कर्मचारी की तरह उसको भी मानदेय मिले, ये हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और हाँ पक्के कर्मचारी, आपने तो उनके हालात में छोड़ दिया था जी। और मैं माननीय अध्यक्ष जी क्योंकि ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि नहीं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ, पूरी डिटेल में ही बता दूंगा जी, मैं पूरी डिटेल में भी चला जाऊंगा। जो जैसे कम को भी ज्यादा समझ नहीं है जो माननीय अध्यक्ष जी और रह गए 50000 के ऊपर वो आ रहे हैं, और एक भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी की बात करिए, वो बच्चे मेरे को भी मिले माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उसका क्या है क्या नहीं है, परंतु अगर कहीं कोई भी दोस्ती होगा, कोई भी दोस्ती होगा, एक मिनट, कोई भी दोस्ती होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मैं फ्लोर ऑफ काउंट है कि उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी के साथ अन्याय नहीं सहन करते। मैंने ठीक कही है बात, इसका भी हम चर्चा कर रहे हैं कि उसका क्या करेंगे, क्योंकि ये अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारी यूनिवर्सिटी, और माननीय राज्यपाल महोदय उसके ईसी होते हैं, चांसलर होते हैं उसके, और उसको लेकर के भी हम सोच रहे हैं, परंतु हम जो और छोटे हैं 50000 से ऊपर उसके लिए भी आज इंट्रोड्यूस बिल आ रहा है, अभी इंट्रोड्यूस होगा, उसको भी हम चर्चा करके उनको भी हम सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार करेगी, करने का काम हमारी सरकार करेगी। परंतु मैं आज आपके माध्यम से उन सबको जो हम ये एचकेएलएन की पॉलिसी लेकर के आए हैं, मैं सभी बात के लिए बधाई देता हूँ कि जो 1,30,000 युवा जो हमने उनको कहा था, जो आश्वासन दिया था कि आपको हम सुरक्षित करेंगे, आज ये विधानसभा के अंदर माननीय सभी सदस्य
आज इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार है। मैं सभी को उन 1,20,000 युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू।